तो कैसे हैं आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर सबसे पहले दिया है पंक गेमर बॉय ने, आफ्टर दैट त्रिम्बकम जी ने, आफ्टर दैट हरेंद्र कुमार ने, एंड इन द लास्ट जतिन कुमार ने। तो इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और साथ में उन सभी के लिए तालियां हो जाए जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करा। तो आइए अब इस प्रश्न को साथ में मिलकर हल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर, आपको ये बताना है कि इस सीरीज में से ऑड कौन सा है, यानी कौन सी जो अल्फ़ाबेट है वो आपके हिसाब से वो गलत है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए से लेकर जेड तक हमने ऑलरेडी सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, तो हम इस सीरीज़ को लिखते हैं। वी विल राइट क्यू, आफ्टर दैट एक्स, दैन डी, फिर आई, आफ्टर दैट एन एंड पी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हम काउंट करते हैं कि ये ए से लेके जेड तक की जो काउंटिंग है, जो सीरीज है, उसमें कौन सी पोजीशन पर आते हैं। सो वी विल राइट ए बी सी डी, यानी डी आपके पास फोर्थ पोजीशन पर है, आफ्टर दैट ई एफ जी एच आई, यानी 4 5 6 7 8 9, आई आपका 9 पोजीशन पर है, जे के एल एम एन, यानी ये आपके पास 14 पोजीशन पर है, 15, 16, तो पी आपके पास 16 पोजीशन पर है, 17, क्यू आपके पास 17 पोजीशन पर है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये एक्स आपके पास 24 पोजीशन पर आ रहा है। तो ये सारे के सारे हम नंबर्स इन सभी अल्फ़ाबेट के नीचे लिख देते हैं। तो Q आपके पास आ रहा है 17 पर, इसी तरह से X आ रहा है आपके पास 24 पर, D आपके पास आ रहा है 4 पर, एंड I आपके पास आ रहा है 9 पर, N आपके पास आ रहा है 14 पर, एंड P आपके पास आ रहा है 16 पर। आफ्टर दैट हम इन सभी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो 7, जब आप 24 को 17 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट 7। इसी तरीके से आप 9 को 4 में से माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 5। इसी तरीके 16 में से 14 माइनस करोगे यू विल गेट 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका आ रहा है 2, लेकिन 5 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ रहा है 3। तो दैट डिफरेंस शुड बी द सेम। तो यहाँ पर आपके पास n की जगह पर अगर आपके पास m होता, इफ दिस n इज रिप्लेस्ड बाय m, तो आपके पास m p हम लिखते तो यहाँ पर हो जाता आपके पास 13, और ये हो जाता आपके पास क्या 16, तो आपका आ जाता ये 3। तो अब 5 में से आप 3 माइनस करते तो आपका आंसर आ जाता 2। तो राइट जो ये ऑप्शन होगा वो आपके पास n होगा, यानी इसमें जो ऑड है वो n है। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट। सो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप इसको सॉल्व करिए, एंड इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।